अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमना रिज़वी हियर। जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि घर में कैसे रहा जाए, क्योंकि लोगों को घर में रहने की आदत नहीं होती तो वो अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। और इसके अलावा आप ये देखें कि अब लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है कि कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, और इसका आप लोगों ने अपनी फ्रेंडशिप एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर दी। आप लोग जाके फूड पॉइंट्स पे, मतलब डिफरेंट लोग जो हैं फूड पॉइंट्स पे जाके बैठ जाते हैं, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि इधर कौन कौन आके बैठा होगा, या इधर कोई जर्म्स होंगे, या हो सकता है कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर आके बैठा हो जिसको वायरस हो, या कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो इन तमाम चीज़ों को सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कोरोना का डेथ रेट और कोरोना के शिकार जो भी कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं वो लोग, उनकी रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। कोई SOPs फॉलो नहीं किया जा रहे, मास्क नहीं लगाए हुए होते लोगों ने, ग्लव्स नहीं पहने हुए होते। इसके अलावा आप हर कोई अब घर से निकलना शुरू हो गया बगैर ज़रूरत के भी। फ्रेंड्स गैदरिंग्स हो रही हैं, मुख्तलिफ फूड पॉइंट पे लोग बैठे हैं सर्कल्स में, कोई भी किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से आप भी, आपके घर वाले भी, और इवन हमारे पूरे मुल्क पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट हो रहा है। कोरोना ऐसा वायरस है जिसकी वजह से हम सब बहुत ही परेशानी में हैं, और हमारा मुल्क कितना लॉस में चला गया इसकी वजह से। अगर हम लोग फर्स्टली, इंसान जिस तरह से होता है कि आप अपने बारे में ख्याल रखें, अल्लाह ना करे आप में से किसी को हो तो आपकी पूरी फैमिली भी पे इफेक्ट होगा, आपकी पूरी फैमिली को पे इफेक्ट होगा तो उससे कितनी फैमिलीज इफेक्ट होंगी, और उन फैमिलीज से क्या होगा, ऑल ओवर हमारे मुल्क पे इम्पेक्ट होगा। मतलब हमारे मुल्क, आप देखें कि हम पाकिस्तान के वसाइल पैसे ही कम हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान कितना लॉस में जा रहा है। तो एक अच्छी शहरी होने की वजह से आप अपना करेक्टर तो अच्छे से निभाएं ना, SOPs को फॉलो करें, बगैर ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। आप क्या होता है कि आपने घर में रहते हैं, अच्छा जो लोग घर में रह भी रहे हैं तो क्या है कि वो इरिटेट हो रहे हैं, बात बात पे, छोटी छोटी बात पे झगड़े हो रहे हैं बगैर ज़रूरत के। इस तरह से अजीब सी कंडीशन हुई हुई है। वजह क्या है कि आप लोग खाली आप बैठ बैठ के ना आपकी थिंकिंग जो है आपकी वर्स चलने लग गई है। तो आप क्या करें, अपने आपको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। अब पॉजिटिव एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है, इंडोर गेम्स खेलें, आप अपने बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें। इससे क्या होगा कि एक तो आप जो खा पी रहे हैं मुसलसल, ये हो रहा है ना कि ये रूटीन चल रही है घर में, खाओ पियो सो जाओ, तो आपकी कैलोरीज भी बर्न नहीं हो रही, आप वो एक हेल्दी लाइफ की रूटीन से हटते जा रहे हैं। तो आप जब इनडोर एक्टिविटीज़ गेम्स की तरफ आओगे तो उससे क्या होगा कि आपका एक तो हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा, कैलोरीज बर्न होंगी जो कि आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा आप क्या करें, घर में कुकिंग जिस तरह से, ये ज़रूरी नहीं है कि कुकिंग स्पेसिफिक है कि फीमेल्स ही कुकिंग करें, समटाइम मेल्स भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे होते हैं कुकिंग में, तो आप घर में फैमिली के साथ कुकिंग में इंगेज हों ताकि एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। ये इस टाइम को ब्लेसिंग लें कि ये वो टाइम है जिसमें आप फैमिलीज़ में आप एक दूसरे को समझ सकते हैं। आम रूटीन में जब आप लोग बहुत बिजी होते हैं तो आपको ये होता है कि आप सुबह जॉब पे जाते हैं, वापस आप थके हुए होते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी सी गेम्स वगैरह प्ले करते हैं, या आप थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करते हैं और फिर आप सो जाते हैं। मीन्स आपके लिए, आपकी अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता। तो ये आप इस टाइम को ब्लेसिंग लें और अपनी फैमिली को समझें, उनकी अंडरस्टैंड करें, अपनी फैमिली के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग कर लें कि अगर आपकी फैमिली में चाहे वो आपके बहन हैं या भाई हैं या आपके बच्चे हैं, तो इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग हो कि अगर उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो वो किसी और से डिस्कस करने के बजाय आपको अपना फ्रेंड समझें और आपसे डिस्कस करें। क्योंकि फैमिली वाले लोग हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जितना फैमिली आपको सिंसियर मशवरा देगी उतना आपको पता है कोई और नहीं दे सकता। ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी आपको अच्छा मशवरा देंगे, पर वो आपकी फैमिली की तमाम प्रॉब्लम्स को तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ना, कि आपकी फैमिली में क्या रूल्स रेगुलेशन हैं, आपकी फैमिली के क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए अपनी फैमिली को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आपको बाहर के अपने प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आपको बाहर के लोगों की तरफ ना जाना पड़े। एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में लेके आएँ, एक्सरसाइज आप पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ जब इन्वॉल्व होंगी तो बहुत अच्छा फील करेंगे आप। अपनी फैमिली के साथ बैठ के मूवीज़ देखें, कोई टॉपिक उठाएं, उस पर डिस्कशन करें, अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं आप। ये वो टाइम है आपके लिए। फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, फिर आप सबकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होंगी, फिर आपके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होगा। ये वो टाइम है, इसको ब्लेसिंग लें और अब हर तरह की जितना हो सके इसको पॉजिटिव वे में इस टाइम को कंज्यूम करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ SOPs को ज़रूर फॉलो करें।
मास्क और ग्लव्स ज़रूर लगाएं। अगर हम अपना ख्याल करेंगे तो इसका मतलब हम अपनी फैमिली का ख्याल कर रहे हैं, और अपनी फैमिली का ख्याल कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने मुल्क का ख्याल कर रहे हैं। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियोज़ देख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर बात करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इस पर बात कर सकूँ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।